आदाब। इस मॉडल का नाम है न्यूटन्स क्रैडल। इसका नाम ब्रिटिश साइंस दा सर आइजैक न्यूटन की याद में रखा गया है। यहाँ मेरे पास एक मेटल की फ्रेम है जिसमें 5 मेटल बॉल्स लगे हुए हैं, जो एक ही वजन और पैमाइश के हैं। इनकी गोलाई एक बराबर है और यह अंदाजाना तौर पर एक आम पेंडुलम की तरह ही है, लेकिन जहाँ आम पेंडुलम में एक ही बॉल होता है वहीं इस हिस्से में 5 हैं। और आम पेंडुलम में बॉल को एक ही तरफ से बांधा जाता है, जबकि आप देख सकते हो हर एक बॉल को 2 तरफ से बांधा गया है। अब मैं अगर इनमें से एक बॉल को इस जगह से खींचकर ऐसे तरह छोड़ दूंगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये पहला बॉल इस दूसरे बॉल पर आकर टकराता है, जिसकी वजह से सारी मोमेंटम यानी इसके वजन और रफ्तार की तहत की कुव्वत इस दूसरे बॉल को मिलती है। अब क्योंकि दूसरा बॉल तीसरी बॉल से बिल्कुल सटे है, तीसरी बॉल को दे देता है। ऐसा ही करते करते ये कुव्वत आखिर की बॉल तक पहुंचती है और वो आगे उछलती है। चलो अब इस तजुर्बे को 2 बॉल को एक साथ चलाकर देखते हैं। तो जब 2 बॉल को खींचकर छोड़ेंगे तो आगे से भी 2 बॉल बाहर की तरफ निकलेगी। आप खुद भी गोटियों का इस्तेमाल करके ये मुशाहिदा घर पर कर सकते हैं। ख्याल रखें कि ये ठीक से करने के लिए आपको गोटी का साइज, वजन और धागे की लंबाई बराबर रखनी होगी, ताकि ये एक दूसरे से बराबर टकराए। उम्मीद है आपको ये मॉडल पसंद आया होगा। शुक्रिया।